জেম ক্রিয়েশনে পর্দায় দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, গাড়ি চালকের প্রতিবাদে উত্তাল ভাঙা। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর আমি আবারও বলছি, গাড়ি চালকের প্রতিবাদে উত্তাল ভাঙা। রাজ্যে যদি হাজার হাজার গাড়ি চালকেরা বয়কট করে গাড়ি চালানো বন্ধ করে তাহলে কি হবে রাজ্যের দশা? কঠোর আইনের বিপক্ষে 2 ঘন্টা ন্যাশনাল রোডে হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শোষক গাড়ি চালকদের, যে কারণে অ্যাক্সিডেন্ট করলে গাড়ি চালকের কাটতে হবে 10 বছরের জেল, দিতে হবে 7 লক্ষের মতো মোটা অঙ্কের জরিমানা। রাজ্যে হঠাৎ করে গাড়ি চালকের উপর আনা এই কঠোর আইনের ফলে যে কোনো সময় বিপদে পড়তে পারে হত দরিদ্র পরিবারের গাড়ি চালক। এই আশঙ্কায় গোটা রাজ্য জুড়ে দেখা দিয়েছে হাজার হাজার গাড়ি চালকের প্রতিক্রিয়া। এবার রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে ভাঙাইয়া প্রতিবাদে নামেন কয়েকশো গাড়ি চালক, উত্তাল। উল্লেখ্য, বদরপুরে ভাঙায় সকালে 11:30টায় কয়েকশো গাড়ি চালক মালিক সহ মিলে সমাজকর্মী মন্দির ছেত্রীকে সাথে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এই আইনের বিপক্ষে নিজেদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। তারা বলেন, আমাদের দেশে গাড়ি চালকেরা শুধু গাড়ি চালকই নয়, ওনারা একটা দেশ একটা সমাজেরও চালক। কেননা গাড়ি চালকেরা নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে করোনা মহামারী বন্যা ঝড় তুফানের মতো দেশের বিভিন্ন আপদে বিপদের সময়েও 24 ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে জওয়ানদের মতো সমাজকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমাজকর্মী বন্দী ছেত্রী রাজ্যে হত দরিদ্র গাড়ি চালকদের জন্য আনা আসাম সরকারের কঠোর আইনের উপর পুনর্বিবেচনা করে একটু নমনীয়তা আনার পাশাপাশি গাড়ি চালকদের ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির জন্য সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্যের কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে করজোড়ে কাতর আর্জি জানান। অবশেষে 2 ঘন্টা প্রতিবাদ প্রদর্শনের পর জেলা প্রশাসনের কার্যকর্তা এসে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্য দেওয়া মেমোরেন্ডাম পত্র সমঝে নেন। বিস্তারিত দেখুন আমাদের জেএম ক্রিয়েশনের পর্দায়। बदरपुर में जाते हैं, ये रुकते हैं, कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, करीमगंज जाते हैं, कोई जगह जाते हैं, इतना परेशानी आती है। ये सब परेशानी तो अलग, दूसरी परेशानी अभी है, सरकार ने ये लागू किया 7 लाख रुपए देने के लिए। अगर मेरे पास 7 लाख रुपए होता तो मैं रोड पे नहीं आता, पूरा दिन धूल मिट्टी खा के 100-200 बचाते, वो भी बच्चे को पाल नहीं पाते। कल मेरे घर पे मेरा लड़का ने मांगा एक जैकेट देने के लिए, मैं यहाँ पे देख के आया हूँ जैकेट 600 रुपए का, मैं ले नहीं पाया हूँ। अगर मेरा इतना औकात होता तो मैं गाड़ी चलाता है। सरकार अगर ये नियम निकालेगा 7 लाख रुपया दे और ये करो वो करो तो इसे कौन जेल पाएगा? इससे तो अच्छा हम लोग को सबको मार डाले गोली मार के रोड पे खड़ा करके। जेल 10 साल देने के लिए कहाँ है, ऐसे दे दें। पहले हम लोग का जैसा थे जैसा सब भाई लोग मानते हैं ऐसे हम लोग को करके दे दें। हम लोग को कोई वो नहीं है, हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, कोई औरत लोग को दे रहे विधवा भत्ता, तो हम लोग ड्राइवर भी ऐसे है, ड्राइवर लोग को भी कोई सुविधा करके दे, उस हिसाब से हम लोग चाहिए। सरकार ने ड्राइवरों को दिया क्या है? आज तक सरकार ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ हम लोगों को मारा है रास्ते पे, कुत्तों के जैसे हम लोगों को सिर्फ आज तक मारा है। सरकार ने हमको कुछ दिया नहीं, कोई बात हो गया किस हिसाब से सरकार को हमारे ऊपर में इतना बड़ा जुलूम कर रहा है, किस हिसाब से? हम तो ऐसा बना की हमको सैलरी दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, ये अजीब बात हो गया। अचानक ना हम लोगों से कोई बात क्या है, ना हमारे यूनियन से कोई बात क्या है, ना हमारे एसोसिएशन से कोई बात क्या है, फटक से हमारे ऊपर कोई आईन 10 लाख का 10 साल का जरिमाना और 10 साल 10 लाख रुपया देने के लिए 7 लाख अचानक कहाँ से आ गया? कम से कम तो हमारे बड़ा बड़ा यूनियन है, उन लोगों से बात करना चाहिए ना। हम लोग अचानक से किसी का ऊपर में इतना बड़ा जुलम करना तो ये ठीक नहीं है। सरकार है ठीक है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग चल रहे हैं, हम लोग 24 घंटा सर्विस दे रहे हैं। अगर एक दिन आकर पूरे भारत में अगर एक दिन हम लोग पूरा ड्राइवर तो गाड़ी बंद कर देगा ना, तो पूरा भारत पूरा कितना क्या बोलेगा ना, पूरा भारत में खाना एक एक खाने के लिए तरसते रहेंगे बड़े से बड़े। अगर हम लोग भाई सब लोग मिलके अगर 2 दिन गाड़ी चलाना छोड़ दे और रोड पे बैठ जाए, भारत में जितने लोग है रोटी खाने के लिए पुकारे जाएंगे। हम लोग के जरिया में चलते हैं, कोई भी गाड़ी में सामान लेके आते हैं उनको देते हैं, इनको देते हैं। सुबह हम लोग घर से निकलते हैं, सर पे कपड़ा बांध के निकलते हैं, शाम को घर पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, विवेचक देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतना तकलीफ करके हम लोग जीते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग मजबूर है, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। अगर हम लोग इतना पैसा होता तो हम लोग ये सब काम नहीं करते। तो हम लोग ये चाहते हैं
कोई राजनीति नहीं चाहिए हमको, कोई युवा नहीं चाहिए हम लोग, कोई राजनीति के लिए नहीं है। हम लोग परेशान हो गया, सब भाई भाई है। हम लोग को सरकार को ये सब चाहना चाहता है जो हमको लागू किया है उसको खत्म करना, कैंसिल करना है, कैंसिल करना है। और हम लोग को कैसा बचना है उसको हम लोग हम लोग को कोई प्रिय बड़ाकवासी देश और विदेशर दूर काछेर सबाई के जाना जेम क्रिएशन पक्ष आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा। जेम क्रिएशन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक फलो शेयर और सबसक्राइब कर अनुरोध करा पशे थकून सुस्थ भलो थकून धन्यवाद।